टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नंबर सिस्टम? ए नंबर सिस्टम डिफाइंड अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। फॉर एनी नंबर सिस्टम देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट पैरामीटर विच डिफाइन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। फोर अंडरस्टैंडिंग बाय एग्जाम्पल थ्रू ब्लॉक डायग्राम। अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू नंबर सिस्टम को समझें तो कोई सिस्टम है उसमें हम इनपुट अगर नंबर दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। अब सिस्टम जैसे चेंज करेंगे आउटपुट वैसे चेंज होगा नंबर, लेकिन इनपुट अगर नंबर है तो आउटपुट हमें किस में चाहिए? नंबर में ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स इनपुट अगर हम डेसिमल नंबर में दे रहे हैं तो सिस्टम ऐसा लगा है कि डेसिमल नंबर इनपुट्स दे रहे हैं तो आउटपुट उस सिस्टम से कैसा मिल रहा है? बाइनरी नंबर्स मिल रहा है, ऑक्टल नंबर मिल रहा है। अगर हमें बाइनरी नंबर लेना है तो उसके लिए सिस्टम अलग होगा, ऑक्टल नंबर लेना है तो उसके लिए सिस्टम अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होगा, बट इनपुट अगर हम कोई भी नंबर दे रहे हैं तो आउटपुट वो किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट, सम कॉमन पैरामीटर टू ऑल नंबर सिस्टम। फर्स्ट बेस, और बेस को ही हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रेडिक्स। नंबर ऑफ सिंबल इज कॉल्ड बेस, इट इज आल्सो कॉल्ड रेडिक्स, इट इज डिनोटेड बाय आर। यानी हम बात करें कि बेस किसको बोलते हैं, तो बेस क्या है? नंबर ऑफ सिंबल, नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल इज कॉल्ड बेस। बेस को हम आर से डिनोट किए क्योंकि उसी को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सिंबल मीन्स क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ऑल पर्सन आर नॉन डेसिमल नंबर, सभी लोग डेसिमल नंबर के बारे में जानते हैं। तो डेसिमल नंबर की बात करें तो हम नंबर ऑफ सिंबल जो स्टार्ट करते हैं लिखना, जीरो से अगर हम नाइन तक नंबर लिखते हैं उसके बाद जितने भी नंबर लिखते हैं ये जीरो से नाइन के नंबर रिपीट होते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर अगर डेसिमल नंबर का देखा जाए तो जीरो से नाइन तक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं? 10। अगर नंबर ऑफ टेम्बर सिंबल 10 है दैट मीन्स बेस इज 10, यानी आर की वैल्यू यहाँ क्या होगा? 10। वैसे अगर बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में सिंबल क्या है? 0 एंड 1, तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल क्या है? 2, दैट मीन्स बेस इज 2, यानी आर की वैल्यू 2 होगा बाइनरी नंबर। वैसे ऑक्टल नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ सिंबल कितने होंगे? 0 से 7 तक, टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने हो गए? 8, दैट इज ऑक्टल नंबर, यानी दैट इज बेस आर इक्वल टू 8। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो नंबर ऑफ सिंबल कितने होते हैं? 16, 0 से 9 तक एज इट इज डेसिमल नंबर, और 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हम क्या कर देते? सिंबल एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते ए बी सी डी ई एफ। ए फॉर 10, बी फॉर 11, सी फॉर 12, डी फॉर 13, ई फॉर 14, F4 16। कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट मींस इन एनी नंबर सिस्टम लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट इज 1 लेस देन बेस। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी नंबर सिस्टम का उसके बेस से 1 कम होगा। जैसे हमने अभी देखा कि डेसिमल नंबर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 0 से 9, तो मैक्सिमम वैल्यू 9 तक है और बेस 10 है तो 1 कम है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो है किसी भी नंबर सिस्टम का उसके बेस से 1 कम होगा। जैसे अगर बाइनरी नंबर है तो उसका 1 कम होगा, यानी 2 बेस है तो कितना हो जाएगा? 1 लार्जेस्ट नंबर, 0 to 1। अगर ऑक्टल नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर सिस्टम क्या होगा? उसका लार्जेस्ट वैल्यू 1 लेस देन बेस, यानी 8 में 1 माइनस होगा तो 7। अब कहते हैं ईच डिजिट पोजिशंस प्लेस रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस ईच पोजिशंस। ईच पोजिशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सब ने पढ़ा है डेसिमल नंबर, क्योंकि हम उसको अगर एक्सपेंड करें, जैसे हमने एक्सपेंड किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 को एक्सपेंड करके हमने बचपन में भी पढ़ा है और लिखा है कि कैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 को। तो 1 2 3 4 कंसिस्ट ऑफ द डिजिट
फोर इन यूनिट पोजिशंस, फोर किस पोजिशंस पे है, यूनिट पोजिशंस पे, थ्री कहाँ है, इन 10 पोजिशंस, टू इन द 100 पोजिशंस, और वन इन द 1000 पोजिशन। मतलब वन किस पोजिशंस पे है, 1000 पोजिशंस, मतलब वन की वेटेज कितना है, 1000 है, टू की वेटेज कितना है, 100 है, थ्री का वेटेज कितना है, 10 है, फोर का वेटेज कितना है, 1 है। अगर इसको हम लिखें तो 1 × 1000 कर सकते हैं, 2 × 100 और 3 × 10 प्लस 4 × 1, ऐसा हमने पढ़ा है डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड रूप। अब इसी वो 1000 को हम बेस के पावर में लिखें तो 10 × 10³ 1000 को लिख सकते हैं, 100 को 10²² लिख सकते हैं, और 10 को हम 10²1 लिख सकते हैं, और 1 को 10²0 हम लिख सकते हैं। यानी अगर कोई भी सिस्टम है उसको अगर हम डेसिमल में चेंज करना चाह रहे हैं तो जो भी बेस होगा उस सिस्टम का, वो बेस का पावर से हम क्या करेंगे, 0 power 0 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर से हम क्या करते जाएंगे, उस पोजीशंस पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और उसका जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब बात होता है बिट्स। बिट्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बिट। बिट कैन बी रिप्रेजेंट टू वैल्यू, दैट इज 0 and 1। टू टर्म्स आर ऑल्सो यूज, MSB and LSB। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड LSB मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स मतलब द लेफ्ट मोस्ट बिट इज गिवेन द बाइनरी नंबर विद द हाइएस्ट वेट इज कॉल्ड एज MSB। और लिस्ट सिग्निफिकेंट नाम से ही है लिस्ट, द राइट मोस्ट बिट, जो भी हम नंबर सिस्टम लिखे हैं उसके लेफ्ट साइड राइट साइड, द राइट साइड राइट मोस्ट बिट इन गिवेन बाइनरी नंबर विद द लोवेस्ट वेट इज कॉल्ड ए LSB। मतलब कोई भी नंबर सिस्टम अगर हम लिखे हैं बाइनरी नंबर में तो उसके राइट साइड का जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो LSB कहलाएगा, और लेफ्ट साइड का जो सबसे लास्ट डिजिट होगा वो MSB कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 100110, इसमें LSB बिट क्या होगा, देखो लेफ्ट राइट साइड स्टार्टिंग बिट्स 0 है तो LSB इक्वल टू 0, और लेफ्ट साइड का देखोगे तो लास्ट बिट्स 1 है, दैट इज MSB इक्वल टू 1। दिस इज द MSB एंड LSB। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जेंस कैसे करें किसी भी नंबर सिस्टम को, तो यहाँ हमने 7 कन्वर्जेंस में डिवाइड किया है, एनी बेस टू डेसिमल नंबर, और इसका रिवर्स क्या हुआ, डेसिमल नंबर टू एनी अदर बेस। थर्ड, बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। दिस 7 टाइप ऑफ बेस कन्वर्जेंस। नाउ फर्स्ट कन्वर्जेंस इज एनी बेस टू डेसिमल नंबर, किसी भी बेस से हम डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करें। पहला एग्जांपल सामने लिया है, जैसे XYZ कोई नंबर होगा, बेस क्या है, R है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर। बेस R मीन्स कुछ भी हो सकता है, वो बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, R इक्वल टू यानी 286 कोई भी बेस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग XYZ की वैल्यू होगा। उसी टाइप से पॉइंट ABC है, अगर कोई नंबर सिस्टम उसमें उसका बेस आर है, उसको डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा एग्जांपल लिया कि दोनों का अगर कम्बाइंड हो तो उसको डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो हम तीसरा एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहा हूँ, इसी से दोनों अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने XYZ की बात किया, पॉइंट ABC किया, हमने अभी देखा था डेसिमल नंबर में कि 10 उसका बेस अगर 10 था तो 10³ 0, 10³ 1, 10²2 की बात कर रहे हैं। यहाँ भी अगर हम स्टार्ट करें तो ZXYZ डेसिमल से लेफ्ट साइड और डेसिमल से राइट साइड की बात करें, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं तो R⁻⁰, R⁻⁰, R⁻⁐, R⁻³, R⁻⁴ तक जाएगा। डेसिमल से राइट की ओर चलें तो क्या होगा, R⁻⁻⁰, R⁻⁻⁐, R⁻⁻⁾, R⁻⁻⁸। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस पोजीशंस पे, और उसका सम जो होगा वही डेसिमल नंबर होगा। जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किया है थर्ड का,
यहाँ हमने लिया है जेड इंटू आर के पावर 0 प्लस वाई इंटू आर के पावर 1 इन प्लस एक्स इंटू आर के पावर 2। अब हम डेसिमल के बाद की बात करें, राइट साइड की बात करें, तो ए इंटू आर के पावर माइनस 1, बी इंटू आर के पावर माइनस 2, सी इंटू आर के पावर माइनस 3। अब इसका जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल्स में हम देखें, वन बाइनरी नंबर लिया पहला एग्जांपल्स 11010, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशंस क्या होगा, जो हम जीरो लिए हैं 0 × 2 की पावर 0, चूँकि यहाँ रेडिक्स आर क्या है 2, तो 2 की पावर 0 × 0, 1 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 2, फिर 1 × 2 की पावर 3 और प्लस 1 × 2 की पावर 4। और इसका जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। तो इसका सम 26 होता और ये क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया तो 26 आया। अब पॉइंट में अगर ये बाइनरी नंबर होता तो क्या होता, जैसे 0.11 ये बाइनरी नंबर्स है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो 0.11 बाइनरी नंबर है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 × r के पावर -1 प्लस 1 × r के पावर -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता 0.5 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.75 डेसिमल नंबर। अगर दोनों कंबाइंड होता तो फिर हमने लेफ्ट और राइट साइड चलते डेसिमल नंबर के, डेसिमल नंबर के लेफ्ट साइड चलते तो 2 के पावर 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और राइट साइड डेसिमल नंबर के पावर चलेंगे तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 इस टाइप से होगा। टोटल सम करेंगे तो जो आ रहा है, इंडिविजुअल जो आ रहा था वही आएगा टोटल, इसमें भी 26.75। तो ये कन्वर्जेंस है आपका बाइनरी टू, सॉरी एनी बेस टू डेसिमल नंबर। ओके, थैंक यू।